ये देश की रोशनी है, ये देश के संविधान की रोशनी है, ये देश को एक रखने की रोशनी है और ये हमेशा ऐसे ही जाता रहे जब तक हम लगाते तो आप एक ही बात कहें कि भैया हमको नौकरी है, क्योंकि डरपोक लोग हैं, इतना हिम्मत नहीं है 100 करोड़ लोगों का गुस्सा पार्लियामेंट के अंदर ले, लेकिन क्या बदलाना चाहते हैं? नकली करेंसी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, सब खत्म हो गया ना, सब खत्म हो गया। ये जो मुंगेरी रात के सपने हैं, 155 लोगों को लाइन में खड़ा करके मार दिया, वही सिचुएशन ये एनआरसी और एनपीआर में लाना चाहते हैं। दिलानों में खड़े हो जाइए, जितने गरीब लोग हैं और छोटे पदाधिकारियों को 1000, 2000, 3000, 4000 दीजिए और वो पदाधिकारी आपकी सिटीजनशिप और आपकी भारतीयता तय करेगा कि आप भारतीय हैं कि नहीं। क्या हम बर्दाश्त करेंगे? वो भ्रष्ट पदाधिकारी हमें बताएगा कि हम भारतीय हैं कि नहीं? वो पदाधिकारी हमें बताएगा कि हमने यहाँ पर खून पसीना एक किया, 70 साल से यहाँ है, लेकिन हमारे दादाजी नहीं थे तो भैया हम तो शरणार्थी हो गए। ये देश उन व्यक्तियों को शरणार्थी वोट उनके लिए हम यूज नहीं करेंगे। वैसे घुसपैठियों को हम निकालने का भी काम नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता से उतारने का काम करेंगे। ये वैसे घुसपैठिए हैं जो घर में रह के लोगों के घुसपैठ का काम कराना चाहते हैं, ये वैसे घुसपैठिए हैं जो घर में रह के आग लगाने की घुसपैठ करते हैं, ये वैसे घुसपैठिए हैं जो घर में रह के नफरत की घुसपैठ लाने का काम करते हैं। ऐसे घुसपैठियों को हम लोगों को अपने एक एक घर से निकालने का काम करना है। और जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है वो इस मुद्दे के साथ, संविधान के साथ है, वो इस मुद्दे के साथ सेक्युलरिज्म के साथ है। मैं यही कहकर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज 20 दिन से जिस मजबूती के साथ आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। और इतना मैं आपको जरूर विश्वास दिलाऊंगी कि मैं जब राजनीति में आई तभी राजनीति के लिए राजनीति में नहीं आएगी, आज भी मुद्दों के लिए राजनीति में हूँ। और मैं यहाँ रहूँ, दिल्ली में रहूँ, देश के किसी कोने में रहूँ, हम संविधान के लिए आपके साथ खड़े हैं, चाहे जितनी भी लड़कियां खड़ी करे, हम सब एक है और हम चाहे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी ने क्या बोला कि हमने है ना बिना जांच के, बिना जो एक सेक्युलर आता है, सर्कुलर आता है, उसके उन्होंने एनआरसी शुरू कर। ये बहुत ही गंभीर विषय है जो कल मीडिया में भी मजबूरन दिखा रहा था, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि नहीं नहीं ये तो अनऑफिशियल एनआरसी हम कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक सोच है, उत्तर प्रदेश के लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे वेस्ट बंगाल के लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, पंजाब के लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, दिल्ली के लोग भी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है 30 में से 30 जो हमारे प्रदेश है सब उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको एक बहुत ही गुप्त बात बताने आई हूँ कि अगर मोदी साहब सुन रहे हैं तो सुन लें कि बीजेपी के भी बहुत सारे विधायक एनआरसी और एनपीआर से खुश नहीं है, साइड से नहीं होगा, चुपचाप में बातें करते हैं कि ये लोग हमको पिटवाने का काम ये बहुत जरूरी है। यही कह के आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए